Hello students, a very good evening to all of you. I, Anupama, welcome you all at the Savas classes. I hope you all are doing fine, doing great. So, aaj hum start karne ja rahe hain hamara lecture number 34, Masticator English, second series MCQs ka. So, I hope you are prepared with today's writer. Chaliye ji. So, question series. स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कंटिन्यू टू गेट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस ऑन टाइम. और मंडे से 18th अप्रैल से हम हमारा ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं मास्टिकेटर इंग्लिश का थर्ड बैच. तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस पेपर के लिए तो प्लीज ज्वाइन करिए हमारे ग्रुप को ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें. चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन. वेयर वॉज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बॉर्न. हाँ जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जी बी शॉ का बर्थ कहाँ हुआ था? लंदन में, डबलिन में, नॉटिंघम में या कॉर्क में? यस, जी बी शॉ का बर्थ कहाँ हुआ था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. So yes, he was born in London, Dublin, Nottingham or Cork. My network is a bit slow. So let me just see your answers. Yes, he was born in Dublin. Irish writer थे वो, Dublin में birth हुआ था उनका, ठीक है? Irish writer थे वो, so he was born in Dublin. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर टू के साथ आगे बढ़ते हैं. विच टू अवार्ड्स डिड शॉ रिसीव फॉर पिग्मेलियन एंड हिज वर्क ऑन वन ऑफ इट्स अडैप्टेशंस. शॉ को पिग्मेलियन के लिए कौन सा अवार्ड मिला था और उसी के अडैप्टेशन, ठीक है, पिग्मेलियन पे मूवीज भी बनी थी, इन पे इसकी अडैप्टेशन भी हुई थी, सो उसके लिए उसको कौन सा अवार्ड मिला था? नोबेल एंड अकेडमी, Emmy and Man Booker, Nobel and Pulitzer या Tony and Pulitzer Award. हाँ जी, तो कौन सा अवार्ड मिला था शॉ को पिग्मेलियन के लिए और उसकी अडेप्टेशन के लिए एंड हिज वर्क ऑन वन ऑफ इट्स अडेप्टेशंस. मूवी बनी थी इस पे, उसके लिए शॉ को कौन सा अवार्ड मिला था? बच्चे लेट मी कनेक्ट प्रॉपरली, आई एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड प्रॉपरली सो आई एम नॉट एबल टू सी योर आंसर्स. सो लेट मी जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स. यस, इट वॉज नोबेल एंड अकेडमी अवार्ड, ठीक है, उसी टाइम पे इनको नोबेल प्राइज मिला था एंड देन ही आल्सो गॉट द एकेडमी. जी, एकेडमी अवार्ड भी मिला था मूवी के लिए, ठीक है, एकेडमी अवार्ड. जी जी, एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड को ही बोल दिया जाता है. क्वेश्चन, माय फेयर लेडी, द नेम ऑफ द मूवी इज माय फेयर लेडी, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर थ्री. शॉ वॉज प्राइमरली अ ड्रामेटिस्ट, सोशल क्रिटिक, नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट. हाँ जी, हाउ विल यू क्लासिफाई शॉ एज, उनके वर्क्स के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? इट्स माय प्लेजर एकता,
ओके जी, बिल्कुल सही. बेसिकली एज अ ड्रामेटिस्ट हम इनको जानते हैं. इन विच ईयर वॉज शॉ अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? शॉ को नोबेल प्राइज किस साल में मिला था लिटरेचर के लिए? 1927 में, 30 में, 32 में या 25 में? हाँ जी बच्चे, डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू द एमसीक्यू सीरीज, बट ये है कि क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि रिवीजन करवाना है तो क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि नए क्वेश्चंस मुझे भी नहीं मिलते हैं, राइट? सो थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड एंड दैट इज आई थिंक आपके रिवीजन, आपका रिवीजन इसी तरीके से होगा. क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर शॉज प्ले, इन विच शॉज प्ले द चॉकलेट क्रीम हीरो अपियर्स? हाँ जी, चॉकलेट क्रीम हीरो की बात किस प्ले में करी गई है? आर्म्स एंड द मैन, सेंट जॉन, मैन एंड सुपरमैन या कैंडिडा? यस, एब्सोल्युटली राइट. हाँ जी, हाँ जी, वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू इट, हम कंटिन्यू करेंगे. यस, इट इज आर्म्स एंड द मैन. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ शॉज मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन? इसके बाद एक बार हमारे ऐसे करके राइटर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, जब हमारे राइटर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं सिर्फ एजेस का पूरा पूरा एक एजेस का जो है एमसीक्यू लेके आऊंगी, 100 100 क्वेश्चंस का, ठीक है? सिर्फ एक एक एज करके, जैसे आप लोग मुझे बार बार कहते रहे हो कि एक एक एज का मैम लेके आओ, तो एक एक एज का हम करेंगे, चाहे उसको 2 2 दिन में करें, ठीक है? चाहे एक एज को 2 दिन में करें, उस तरीके से करेंगे, ठीक है जी? यस, इट इज बेस्ड ऑन प्रोस्टिट्यूशन, बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले द एप्पल कार्ट? एप्पल कार्ट की सेंट्रल थीम क्या है? द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, द वर्किंग ऑफ ऑटोक्रेसी, द वर्किंग ऑफ मोनार्की और द वर्किंग ऑफ थियोक्रेसी? यस, व्हाट इज द सेंट्रल थीम? बच्चे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मुझे एफर्ट्स करने की हिम्मत देते हैं, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मुझे हिम्मत देते हैं. यस, वेरी राइट, इट इज द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. क्वेश्चन नंबर 8, आर्म्स एंड द मैन इज अ सटायर ऑन वॉर एंड हीरोइज्म, वॉर एंड म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, लव एंड मैरिज, मैट्रिमोनियल मॉल एडजस्टमेंट? हाँ जी, किस थीम पे बेस्ड है आर्म्स एंड द मैन, किस सटायर? बिल्कुल सही कहा गुरनाज, यस इट इज हॉलोनेस ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही. एप्पल कार्ट में डेमोक्रेसी की हॉलोनेस को ही डिपिक्ट किया है. यस, इट इज अ सटायर ऑन वॉर एंड हीरोइज्म, वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 9, शॉज प्ले इज नोन एज प्लेस ऑफ प्रोफेटिक विजन, प्लेस ऑफ प्रोपेगेंडा, प्लेस ऑफ आइडियाज और प्लेस ऑफ नेगेटिव क्रिटिसिज्म? हाँ जी, शॉ के प्लेस को हम कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं? प्लेस ऑफ प्रोफेटिक विजन, प्लेस ऑफ प्रोपेगेंडा, प्लेस ऑफ आइडियाज, प्लेस ऑफ नेगेटिव क्रिटिसिज्म? सो यस, इट इज प्ले ऑफ, जी इनको प्लेस ऑफ आइडियाज कह लो, या बेसिकली अगर आपको ऑप्शन आ जाए प्रॉब्लम प्लेस, ठीक है? अगर आपको ऑप्शन आ जाए प्रॉब्लम प्लेस. चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट रिस्पेक्ट शॉ वॉज अ ग्रेटर ड्रामेटिस्ट देन शेक्सपियर? किस रिस्पेक्ट में शॉ वॉज ग्रेटर ड्रामेटिस्ट देन शेक्सपियर? शॉ वॉज अ ग्रेटर सोशल क्रिटिक देन शेक्सपियर, शॉ हैज अ मोर वैरायटी ऑफ कैरेक्टर देन शेक्सपियर, शॉ वॉज मोर एंटरटेनिंग देन शेक्सपियर या नन ऑफ दीज? हाँ जी, शॉ को क्या चीज शेक्सपियर से बेटर बनाती है, किस चीज की वजह से वी कैन कॉल शॉ बेटर देन शेक्सपियर? बिल्कुल सही, बिकॉज शॉ वॉज अ ग्रेटर सोशल क्रिटिक. शॉ का कोई भी ड्रामा है उसमें वो सोसाइटी की ही कोई ना कोई पिक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है? सोसाइटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम को जो है डिस्कस करते हैं, राइट? और जो है रीडर्स को सोचने पे मजबूर करते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम प्लेस की ना एक खासियत होती है बच्चे, प्रॉब्लम प्लेस आर ऑलवेज ओपन एंडेड, ठीक है? प्रॉब्लम प्लेस जो है हमेशा ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशन है रीडर पे छोड़ दिया जाता है. बस इनका मकसद होता है, प्रॉब्लम प्ले का मकसद होता है कि रीडर को सोचने पे मजबूर करना, ठीक है? रीडर को सोचने पे मजबूर करना, राइट? वाह
वैरायटी की बात हो, कैरेक्टर्स की बात हो, तो ऑब्वियसली इट इज शेक्सपियर, है ना? जी बिल्कुल सही, इसी चीज को हम क्लिफ हैंगर बोलते हैं। ठीक है काजल, अगर वैरायटी की बात हो, कैरेक्टर्स की बात हो, देन इट इज ऑब्वियसली नोबडी कैन बीट शेक्सपियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। शॉ रीफिनिश्ड वन ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, विच ऑफ द फॉलोइंग। शॉ ने शेक्सपियर का कौन सा प्ले रीफिनिश किया था? द टेम्पेस्ट, सिम्बलीन, द विंटर्स टेल और पेरिसिलस। यस, शॉ ने शेक्सपियर का कौन सा प्ले फिनिश किया था? यस एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, इट वॉज सिम्बलीन, वेरी राइट। क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ऑफ हिज प्रोज वर्क्स शॉ क्रिटिक्स कन्वेंशनल मैरिज। किस प्रोज वर्क में शॉ ने जो है कन्वेंशनल मैरिज मींस अरेंज्ड मैरिज को क्रिटिक किया है? द इरेशनल नॉट, गेटिंग मैरिड, मिसलाइंस या ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, किस प्रोज वर्क में शॉ ने जो है कन्वेंशनल मैरिज को क्रिटिक किया है? यस, इट इज द इरेशनल नॉट, दीज आर बोथ प्लेज। यस, इसीलिए तो प्रोज वर्क कहा है बच्चे, इसीलिए तो प्रोज वर्क कहा है। नहीं, सभी नहीं है, दीज आर द प्लेज, दीज आर द प्लेज। एंड प्रोज वर्क से मेरा मतलब है यहाँ पे नॉवल, प्रोज वर्क से मेरा मतलब है यहाँ पे नॉवल, तो इट इज द इरेशनल नॉट। ऑल राइट, गेटिंग मैरिड एंड मिस अलायंस आर प्लेज, आर दीज और नॉवेल्स? ओके, लेट मी कंफर्म इट, गेटिंग मैरिड एंड मिस अलायंस आर नॉवेल्स? यस दीज आर प्लेज, डोंट कंफ्यूज मी प्लीज, मैं वैसे ही जल्दी कंफ्यूज हो जाती हूँ। यस दीज आर प्लेज, दिस इज द ओनली वन विच इज अ नॉवल, राइट? सो आई वॉज राइट। क्वेश्चन नंबर 13। हु सेड लाइफ लेवल्स ऑल मेन, डेथ रिवील्स द एमिनेंट। हाँ जी, लाइफ लेवल्स ऑल मेन, डेथ रिवील्स द एमिनेंट, किसने कहा था ये? जी बी शॉ, हैरल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट या टी एस इलियट? कि लाइफ जो है वो सबको लेवल करती है, डेथ रिवील करती है कि कौन एमिनेंट था, डेथ रिवील करती है कि कौन फेमस था, किसने कुछ हासिल किया लाइफ में? यस इट वाज अगेन जी बी शॉ। क्वेश्चन नंबर 14। ऑल राइट, तो जिन्होंने भी हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बच्चे ज्वाइन नहीं किया है वो इस नंबर पे अपना नेम और अपना सब्जेक्ट लिख के मैसेज कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट द स्टडी मटीरियल, द एमसीक्यूज थ्रू दिस व्हाट्सएप ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 14। शॉ वंस रोट, आई राइट प्लेज विद द डेलिबरेट पर्पस टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन। व्हाट डज दिस शो अबाउट शॉ? कि मैं ये इसलिए लिखता हूँ प्लेज ताकि जो नेशन है, पूरी की पूरी कंट्री है, वो मेरे मुताबिक खुद को, मेरे ओपिनियन के मुताबिक खुद को बदल सके। दैट शॉ वॉज अ प्राउड एंड हॉटी पर्सन, दैट शॉ वॉज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट, That Shaw was a powerful dramatist, या none of these? Yes, absolutely right, because he was a social reformer. Very right. Question number 15. What is the film version of Pygmalion named? देखो मैंने पहले अभी डिस्कस करा और आपके लिए क्वेश्चन आ गया। बच्चे आपको अपना मैसेज भेजना है, जो नंबर दिया गया था, अपना नाम, अपना सब्जेक्ट लिख के मैसेज करना है उस नंबर पे। So then you will be added. पेड ग्रुप के लिए आपको जो है साहिल सर को कॉल करनी है। बच्चे जो नीचे नंबर आ रहे हैं उनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है? एक यस इट इज माय फेयर लेडी, ठीक है? सावल अबोहर ऐप डाउनलोड कीजिए आप, ठीक है? पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड सावल अबोहर ऐप, ठीक है? प्ले स्टोर से आप ये ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे सारे आपको जो है मतलब चीजें दी गई होंगी, वहीं पे आपको पेमेंट का पता चल जाएगा और आप पेमेंट जो है
गूगल पे वगैरह के थ्रू, पेटीएम वगैरह के थ्रू जो है कर सकते हैं, राइट। सो सावल अबोहर जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। देयर यू विल गेट ऑल द डिटेल्स हाउ यू कैन जॉइन द पेड ग्रुप, राइट। या फिर जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पे कॉल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ दीज प्लेज बाय शॉ प्रोफेसर हिगिन्स अपीयर। प्रोफेसर हिगिन्स किस प्ले के कैरेक्टर हैं? बैक टू मेथुसला, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन या हार्ट ब्रेक हाउस? हाँ जी, बैक प्रोफेसर हिगिन्स किस प्ले के कैरेक्टर हैं? जी बिल्कुल सही, पिग्मेलियन के, ठीक है, जो अलीजा डूलिटल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अलीजा डूलिटल वैसे इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर है और ये जो है फोनेटिक्स के प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। ही इज अ फोनेटिक्स प्रोफेसर और ये अलीजा डूलिटल को जो है प्रॉपर इंग्लिश बोलनी सिखाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज जी बी शॉ अटैक डार्विनिज्म? डार्विन की थ्योरी को जी बी शॉ ने किस प्ले में अटैक किया है? बैक टू मेथुसला, यू कैन नेवर टेल, मैन एंड सुपरमैन या सेंट जोन? हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज जी बी शॉ अटैक डार्विनिज्म? यस, इट्स ऑब्वियसली राइट, इट इज बैक टू मेथुसला, वेरी राइट, इट इज बैक टू मेथुसला। डार्विन की थ्योरी क्या थी, मैं बड़ी बार बता चुकी हूँ, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की, ठीक है, जिसमें इसने बताया था कि हम इंसान कहाँ से बने हैं, हम जो है मंकीज से बने हैं, राइट, हम मंकीज से बने हैं, ठीक है। तो उस पे अटैक किया था, डार्विन की इस थ्योरी पे अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय जी बी शॉ। जी बी शॉ का फर्स्ट नॉवल क्या है? लव अमंग द आर्टिस्ट, द इरेशनल नॉट, इमैच्योरिटी या एन अनसोशल सोशलिस्ट? हाँ जी, जी नहीं, फिल्म द नाम पिग्मेलियन नहीं सी, फिल्म द नाम माय फेयर लेडी सी। सो यस, द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय जी बी शॉ वाज इमैच्योरिटी। हालांकि ही वाज अ फेलियर एज अ नॉवलिस्ट, ठीक है, He was a failure as a novelist. Okay, Manpreet. But एक फिल्म बनी थी My Fair Lady भी, एक फिल्म My Fair Lady भी बनी थी, ठीक है जी। So it he was basically failure as a novelist, right? Question number 5 total novels likhe the G.B. Shaw ne and they all were failures. Alright, question number 19. Which of the following works is not written by Shaw? Getting Married, The Skin Game, You Can Never Tell ya Major Barbara? Thank you, Manpreet. Thank you for adding on to my knowledge. Thank you so much. Hanji, which of these works is not written by G.B. Shaw? Yes, it is The Skin Game. Very right. It is The Skin Game. Question number 20. Who said Shaw has been for modern Britain what Socrates was for Greece? हाँ जी, ये किसकी quote है? That Shaw has been for modern Britain what Socrates was for Greece. It was by T.S. Eliot, W.B. Yeats, E.C. Ward या Ellen Tate. हाँ जी, किसने बोला था ये? कि जो Shaw है modern Britain के लिए वो सॉक्रेटिस थे ग्रीस के लिए। इट वॉज एब्सोल्यूटली राइट, वेरी गुड, यस, इट वॉज ए सी वॉर्ड, वेरी राइट। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर शॉज पिग्मेलियन गॉट पब्लिश्ड? पिग्मेलियन किस ईयर में पब्लिश हुआ था? 1910, 11, 1909 या 1912? हाँ जी, किस ईयर में पब्लिश हुआ था जी बी शॉ का पिग्मेलियन? So yes, it was published in, yes, 1912 mein published hua tha ye bachche, 1912 mein, ji. Question number 22, what is the yarner of A Black Girl in Search of God written by G.B. Shaw? Iska yarner batana hai aapko, jo ki G.B. Shaw ka work hai, novel, short story, poem or drama?
बच्चे इट इज 1912, इट इज डेफिनेटली श्योर 1912 है डेट, मुझे किसी किसी वर्क की ही डेट याद रहती है एंड इट इज 1912. इट इज अ शॉर्ट स्टोरी जी, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी. अ ब्लैक गर्ल इन द सर्च ऑफ गॉड इज अ शॉर्ट स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द सब यानर ऑफ द डेविल्स डिसाइपल रिटन बाय शॉ. डेविड सॉरी द डेविल्स डिसाइपल का यानर क्या है, इज इट अ ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा या नन ऑफ दीज. इज इट अ नॉवल, पक्का फिर करेक्ट कर लो भाई इसको. हाँ वो पांच नॉवल्स ही लिखवाए थे, जो पांच में नाम था, पांच में जो पांच लिखवाए फिर ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है. जी इट इज अ नॉवल. चलिए थैंक यू जी. हाँ जी डेविल्स डिसाइपल का सब यानर क्या है, इज इट अ ट्रेजेडी, इज इट अ कॉमेडी, मेलोड्रामा या नन ऑफ दीज. अब मैं कंफ्यूज हो गई. तो इज इट अ शॉर्ट स्टोरी ओनली. पता है मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मेरे माइंड में पहली बार में जो आंसर आता है ना वो सही होता है, जो आंसर पहली बार मेरे माइंड में आता ना वो सही होता है, चाहे मैं चेक करूं चाहे मैं नहीं चेक करूं. पर जब मैं आप लोगों के आंसर्स पढ़ने शुरू कर देती हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूं. मैं करेक्ट करवाता सी, देखो बच्चे कह रहे हैं मैं करेक्ट कराता सी. पता नहीं मैं बच्चे नॉवेला होएगा ना, शॉर्ट स्टोरी नॉवेला होएगा. हाँ वही मैं कह रही हूं ना, इट मस्ट बी अ नॉवेला राइट, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग अ शॉर्ट स्टोरी. चलो आप कंफर्म कर लांगे, मैं एक बार चेक कर लूंगी. ठीक है मैं चेक कर लूंगी, कोई नहीं मैं चेक कर लूंगी. ठीक है चलो जी. अब इसका बताओ, व्हाट इज द सब यानर ऑफ द डेविल्स डिसाइपल रिटन बाय जी बी शॉ. यस नाउ दिस इज कंफर्म्ड, दिस इज अ मेलोड्रामा. क्वेश्चन नंबर 24, What is the basic idea behind G.B. Shaw's play Candida? G.B. Shaw के play Candida के पीछे का basic idea क्या है? Female equality, prostitution, racism या all of these? Yes, what is the basic idea behind G.B. Shaw's play Candida? इट इज वन ऑफ द बिगिनिंग प्लेज ऑफ जी बी शॉ, जिसमें उसने न्यू वुमेन का आइडिया दिया था. ठीक है न्यू वुमेन की थीम दी थी. राइट सो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन फीमेल इक्वालिटी, सॉरी प्रोस्टिट्यूशन और रेसिज्म और ऑल ऑफ दीज.
यस, इट इज बेस्ड ऑन फीमेल इक्वालिटी, बिल्कुल सही, इट इज बेस्ड ऑन वुमेन फ्रीडम, दैट इज व्हाई आई सेड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ न्यू वुमेन। जी बिल्कुल सही, यस इट इज अ मॉडर्न कॉमेडी एंड इट कम्स अंडर प्लेजेंट प्लेस। जी इट कम्स अंडर प्लेजेंट प्लेस, अगर प्रोस्टिट्यूशन पे बेस्ड होता तो अनप्लेजेंट प्लेस के अंडर आता है ना। क्वेश्चन नंबर 25, द चीफ शेवियन क्वालिटी इज टू मेक पीपल डैश बाय कंपेलिंग देम टू लाफ। शॉ की क्वालिटी बेसिकली क्या बताई जाती है कि वो कंपेल करता है लोगों को बाय कंपेलिंग देम टू लाफ, थिंक ट्राई स्पीक और वॉकआउट। हाँ जी, प्लेजेंट प्लेस मीन्स बच्चे जो सोसाइटी की पॉजिटिव साइड को दिखाते हैं, ठीक है, अनप्लेजेंट प्लेस मतलब जो सोसाइटी की नेगेटिव साइड को दिखाते हैं, सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको दिखाते हैं। यस इट इज थिंक, इट्स टू मेक पीपल थिंक, सोचते सोच लोगों को हंसते हंसते सोचने पे मजबूर करना। जी क्वेश्चन नंबर 26, विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ईयर ऑफ मॉडर्न एज टू अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट लिटरेचर। हाँ जी, मॉडर्न एज का सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर कौन सा माना जाता है, 1920, 1922, 1923 या 24? विच ईयर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ द मॉडर्न एज? यस इट इज 1922। यूलिसिस पब्लिश हुआ, ठीक है, वेस्टलैंड पब्लिश हुआ, राइट, वर्जीनिया वुल्फ का जेकब्स रूम पब्लिश हुआ, ठीक है जी, तो बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स 1922 में पब्लिश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27, विद विच थिंग और इवेंट द मॉडर्न राइटर्स फेल्ट द मोस्ट बिट्रेड। मॉडर्न राइटर्स को सबसे ज्यादा धोखा किस चीज ने दिया था, इंडस्ट्रियलिज्म ने, मॉडर्नाइजेशन ने, वर्ल्ड वॉर्स ने या राइज ऑफ मिडिल क्लास ने? हाँ जी, किस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हुए थे मॉडर्न राइटर्स, इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, वर्ल्ड वॉर्स की वजह से या राइज ऑफ मिडिल क्लास से? सो दे फेल्ट बिट्रेड बिकॉज ऑफ द, यस किस चीज से उनको लगा था कि ये तो सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी का, एक बम गिरा है ना, सो दे वर द वर्ल्ड वॉर्स है ना, कि एक बम गिरा और कितने लोग मर गए है ना, हम विश्वास ही नहीं कर सकते जिंदगी का, सो दैट वाज द वर्ल्ड वॉर्स। जी क्वेश्चन नंबर 28, हु इज क्रेडिटेड विद प्रपाउंडिंग द मोस्ट फेमस फिलोसफी ऑफ मॉडर्न एज, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म किसने इंट्रोड्यूस करी थी, सोरेन कर्केगार्ड, मार्टिन एसलिन, यूजीन आइनेस्को या सैमुअल बेकेट? मॉडर्न एज की सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी, सबसे फेमस फिलोसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म किसने इंट्रोड्यूस करी थी, सोरेन कर्केगार्ड, मार्टिन एसलिन, यूजीन आइनेस्को या सैमुअल बेकेट? सो यस एब्सोल्युटली राइट, दैट वाज सोरेन कर्केगार्ड। क्वेश्चन नंबर 29, विच आउट ऑफ दीज राइटर्स वाज बोर्न टू बॉस्टन ब्राह्मिन्स। इनमें से कौन से राइटर का बर्थ बॉस्टन ब्राह्मिन्स के घर पे हुआ था, टी एस इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, वर्जीनिया वुल्फ या जोसेफ कॉनरड? हाँ जी, विच ऑफ दीज राइटर वॉज बॉर्न टू बॉस्टन ब्राह्मिन्स। इनमें से कौन से राइटर का बर्थ बॉस्टन ब्राह्मिन्स के घर पे हुआ था, टी एस इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, वर्जीनिया वुल्फ या जोसेफ कॉनरड? जी टी एस इलियट, शायद इसीलिए कहीं ना कहीं उनके वेस्टलैंड में हिंदू लिटरेचर स्क्रिप्चर्स भी जो है उनके श्लोक जो है नजर आए, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीडिंग ऑफ विच राइटर डिड टी एस इलियट क्रिएट द सेकेंड फेज ऑफ पोइट्री। सेकेंड फेज ऑफ पोइट्री टी एस इलियट का किस राइटर से इंस्पायर्ड था, मैलोरम, लफॉर्ड, चौसर या स्पेंसर? हाँ जी, टी एस इलियट की पोइट्री का सेकेंड फेज किससे इंस्पायर्ड था, किससे इन्फ्लुएंस था, मैलोरम से, लाफॉर्ब से, चौसर से या स्पेंसर से? एब्सोल्यूटली राइट, इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम लाफॉर्ब। जी फ्रेंच राइटर था और लाफॉर्ब से इंस्पायर्ड था, ठीक है, इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच राइटर्स, सो ही वॉज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम लाफॉर्ब। जी लाफॉर्ब बिल्कुल सही जवाब दिया है जिन बच्चों ने दिया है, इट वॉज लाफॉर्ब। क्वेश्चन नंबर 31,
Hogarth Press, set by wolves, did not publish which of these authors? Hogarth Press में किस जो है राइटर के वर्क्स पब्लिश नहीं करे थे वर्जीनिया वुल्फ और उसके हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ ने? टीएस एलियट, सिगमंड फ्रॉयड, चार्ल्स डार्विन या दोस्तोवस्की? हाँ जी, किसके वर्क्स पब्लिश करने से मना कर दिया था? यस, इट वाज चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल सही, इट वाज चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 32, विच रिलीजियस बिल्डिंग इज सेंट्रल टू एलियट्स प्ले मर्डर इन द कैथीड्रल? दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, कौन सी रिलीजियस बिल्डिंग डिपिक्ट करी गई है एलियट के मर्डर इन द कैथीड्रल में? डरहम कैथीड्रल, सेलिसबरी कैथीड्रल, वेस्टमिंस्टर कैथीड्रल या कैंटरबरी कैथीड्रल? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर एज वेल। यस, इट वाज कैंटरबरी कैथीड्रल, वेरी गुड, वेरी राइटली आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल दैट वाज ओरिजिनली टाइटल्ड मेलिंग्रोशिया? वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल का टाइटल कौन से नॉवल का ओरिजिनल टाइटल मेलिंग्रोशिया था? द वाइट आउट, नाइट एंड डे, मिसेस डेलोवे या ऑरलैंडो? हाँ जी, किस नॉवल का ओरिजिनल टाइटल मेलिंग्रोशिया था? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, यस, इट वाज द वॉयज आउट, राइट, उसका ओरिजिनल टाइटल मेलिंग्रोशिया रखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन डिड मॉडर्न एज स्टार्ट एंड व्हेन डिड इट एंड? मॉडर्न एज कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई? 1910 to 40, 1910 to 45, या 1915 to 45? हाँ जी, when did modern age start and when did it end? Starting or ending कब मानी जाती है? बिल्कुल सही, yes, it is 1910 में starting मानी जाती है and ending in 1945. Very good, very rightly answered. Question number 35. Which mechanism is employed in the production of English sounds? English sounds की production में कौन सी जो है mechanism use करी जाती है? Pulmonic in ingressive airstream mechanism, pulmonic aggressive airstream mechanism या pulmonic aggressive airstream mechanism? हाँ जी, यस, इट इज पुलमोनिक एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब हम जो है हवा को एक्सहेल करते हैं वाइल स्पीकिंग, ठीक है, वी एक्सहेल वाइल स्पीकिंग, इसीलिए हमारी सांस चढ़ जाती है एंड वी हैव टू टेक अ ब्रेक टू ब्रीद एंड देन वी लाइक मतलब स्टार्ट स्पीकिंग अगेन। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डू वी कॉल द फ्लैशी पेंडेंट लाइक स्ट्रक्चर hanging at the end of the mouth? It is Adam's apple, it is soft palate, it is uvula or it is larynx? हाँ जी, बच्चे उसको लिटरेचर के किसी पीरियड में इंक्लूड नहीं करा जाता, 1901 से 1909 के पीरियड में ये नहीं कि कोई लिटरेरी एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, बट बहुत माइनर हो रही थी, ठीक है, बहुत माइनर हो रही थी, ठीक है, इसलिए उसको किसी पीरियड में इंक्लूड नहीं किया जाता। हम एजेस डिवाइड करते हैं जब मेजर चेंजेस आते हैं, ठीक है, पहले एजेस चल रही थी जो रूलर बना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले एजेस चल रही थी जो रूलर बना उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद मॉडर्न एज, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलिज्म पूरे तूफान पे थी, पूरे उफान पे थी, टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप हो रही थी और ऊपर से जो ये वॉर्स हो रहे थे, ठीक है, दैट इज व्हाई। चलिए, यस, इट इज युवला, वेरी राइट, युवला जो हमारे गले में पीछे एक मास सा लटकता है उसको हम युवला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑर्गन इन द अपर पार्ट ऑफ द माउथ इज एक्टिव वेयर एज द होल अपर जॉ इज पैसिव? कौन सा अपर जॉ का हमारा पार्ट एक्टिव है जबकि पूरा का पूरा अपर जॉ पैसिव होता है? हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, युविला या एपिग्लॉटिस? हाँ जी, हमारे अपर पार्ट ऑफ द माउथ में कौन सा पार्ट जो है एक्टिव होता है जबकि सारा अपर जॉ हमारा पैसिव है? यस, इट इज सॉफ्ट पैलेट, बिल्कुल सही, जिसकी वजह से
जो कभी लोअर हो जाता है, कभी रेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नेजल साउंड्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, दैट इज सॉफ्ट पैलेट. क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ शॉज प्लेज हैज द डॉन जुआन लेजेंड एज इट्स अंडरलाइन थीम. पीबी शेली के डॉन जुआन की थीम शॉ के कौन से प्ले में फॉलो करी गई है, एंथनी एंड क्लियोपेट्रा, मैन एंड सुपरमैन, कैंडिडा या द डेविल्स डिसाइपल. हाँ जी, पीबी शेली के डॉन जुआन लेजेंड वाली जो थीम है वो शॉ के कौन से प्ले में फॉलो करी गई है. यस, इट इज मैन एंड सुपरमैन. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 39, हु कोट्स अलीजा ड्यूरिंग हर ट्रांसफॉर्मेशन. जब अलीजा को प्रोफेसर हिगिन्स प्रेम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है तो उसको कौन कोट करता है. कोट मीन्स उसको कौन कौन जो है उसको मीन्स कौन उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, कौन जो है उसको पसंद करता है. फ्रेडी आंसवर्ड हिल, प्रोफेसर हिगिन्स. ओ सॉरी, जी जी जी, हसलो मुझ पे. यस, इट वॉज बायरन, डॉन जुआन बाय बायरन. सॉरी जी. हाँ जी, हु कोट्स एलिजा ड्यूरिंग हर ट्रांसफॉर्मेशन. यस, इट वॉज फ्रेडी आइंसफर्ड हिल. ठीक है, जिसके साथ एंड में एलिजा शादी करने की सोचती भी है, बट अगेन इट इज एन ओपन एंडेड प्ले. ठीक है, कौन से प्ले की बात चल रही है, ये पिग्मेलियन की. ठीक है, पिग्मेलियन की चल रही है. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज रिवील्ड अबाउट ब्लंचली इन एक्ट 3. आर्म्स एंड द मैन में ब्लंचली के बारे में एंड में क्या रिवील होता है. ही इज नॉट अ रियल सोल्जर, हिज फादर वॉज पुअर, हिज फादर वॉज इनॉर्मसली वेल्दी, ही इज नॉट अ स्विस. हाँ जी, ब्लंचली के बारे में एक्ट 3 में क्या रिवील होता है, उसका क्या सच पता लगता है आर्म्स एंड द मैन में रायना को. ठीक है, जो उसकी बिलवेड है रायना पेटकॉफ, उसको ये सच पता लगता है, पूरी की पूरी पेटकॉफ फैमिली को. यस, हिज फादर वॉज इनॉर्मसली वेल्दी. ठीक है, स्विट्जरलैंड के थे वो. ठीक है, ब्लंचली स्विट्जरलैंड का था और उसके फादर के स्विट्जरलैंड में बहुत बड़े बड़े होटल्स थे. राइट, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ जीबी शॉज द एप्पल कार्ट. जीबी शॉ के एप्पल कार्ट का सबटाइटल क्या है. पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा, इकोनॉमिक एक्स्ट्रावेगेंजा, अ हिस्टोरिकल एक्स्ट्रावेगेंजा और अ सोशल एक्स्ट्रावेगेंजा. यस, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ जीबी शॉज द एप्पल कार्ट. Exactly, very right. It is a political extravaganza. Absolutely correct. Question number 42. With what war was Joan of Arc most closely associated? हाँ जी, Joan of Arc किस war के साथ associated थी? The War of Roses, the French Revolution, the Hundred Year War या the War of Spanish Succession. हाँ जी, with which war Joan of Arc was closely associated. With which war was she associated? The War of the Roses, the French Revolution, the Hundred Years' War, or the War of the Spanish Succession? Wasn't it the War of the Roses? How many of you are sure about, how many of you have read about the War of the Roses? I believe it is the War of the Roses. Hai na Manpreet? Manpreet, am I right? Isn't it the War of the Roses? Yes. We have done it. We have done it. No, it is War of the Roses. Yes, it is the War of the Roses. And now I am 100% sure.
अगर आपने कहीं पे भी 100 Years War पढ़ी है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए. इट इज द वॉर ऑफ द रोजेस. Again confusion. Just a second, let me make it clear. Yes, it was the 100 Years War. जी, please correct कर लीजिए. हाँ जी, अभी अभी के अभी मैंने कर लिया इसको correct. She was born during the 100 Years War. जी, England और France के बीच में जो war चल रहा था, ठीक है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वॉर चल रहा था, दैट वाज द 100 Years War. हां जी हां जी. चलिए क्वेश्चन नंबर 43. हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग जोन? जोन के कैप्चर में कौन रिस्पॉन्सिबल था? जोन ऑफ लक्जमबर्ग, फिलिप द गुड, द ड्यूक ऑफ एलिंकन. मुझे भी लगा था मनप्रीत, मुझे भी लगा था, दैट इज वाई आई वॉज गेटिंग डाउटफुल, बट अभी के अभी साथ ही के साथ मतलब चेक किया तो यस, इट वॉज 100 Years War. जोन का जन्म ही 100 Years War के टाइम पे हुआ था, ठीक है? वॉर ऑफ रोजेस उससे भी पुरानी थी, वॉर ऑफ रोजेस उससे भी पुरानी थी. यस, इट वॉज जोन, जॉन ऑफ लक्जमबर्ग. जी, इट वॉज जॉन ऑफ लक्जमबर्ग. Who was responsible for capturing John? फिर गड़बड़ करती मैं. It was John of Luxembourg. Question number 44. The Man of Destiny is a short play written by G.B. Shaw about Hitler, Napoleon, Julius Caesar or Alexander the Great. हाँ जी, The Man of Destiny किसके बारे में था? हिटलर के बारे में, नेपोलियन के बारे में, जूलियस सीजर के बारे में या अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में? Yes, it was Napoleon. Very right. Question number 45. During which years G.B. Shaw wrote his religious plays? G.B. Shaw ने अपने religious plays किस period में लिखे थे? 1920 to 50, 1910 to 19. 1900 through 1909, 1890 to 1900. हाँ जी, किस पीरियड के टाइम पे जीबी शॉ ने अपने रिलीजियस प्लेज लिखे थे? यस, एब्सोल्युटली राइट, इट वाज 1920 टू 1950. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट डिड जीबी शॉ क्रिटिसाइज इन हिज प्ले द इरेशनल नॉट? हाँ जी, इरेशनल नॉट में, अब मैंने यहाँ पे प्ले लिख दिया, इरेशनल नॉट में किसे क्रिटिसाइज किया था जीबी शॉ ने? लव मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज, होमोसेक्सुअल मैरिज. तो यस, इट वाज द ट्रेडिशनल मैरिज. जी बिल्कुल सही. हाँ जी, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम 18 से हम हमारा थर्ड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सो प्लीज उसे जो है ज्वाइन कीजिए अच्छे से तैयारी करने के लिए इस एग्जाम की, ठीक है? अब हमारी दो दिन क्लास नहीं लगनी है, वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे, ठीक है? तो जो भी रिमेनिंग राइटर्स रह गए हैं, हैरल्ड पिंटर है, राइट, बेकेट है, देन जो तीनों क्रिटिक्स हैं, राइट, सो फॉर मंडे यू विल बी प्रिपेयरिंग ऑल दीज, ठीक है? दैट वाज आर्ट फॉर आर्ट सेक. यस, दैट इज कंफर्म्ड काजल, दैट इज आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है? आर्ट फॉर आर्ट सेक वाले कॉन्सेप्ट को डिस्पाइज करते थे डीएच लॉरेंस. आई वाज करेक्ट, ठीक है? आई वाज करेक्ट, ठीक है जी? तो प्लीज ये करेक्ट ही था हमने उस दिन किया. बच्चे यू हैव टू डेज, और क्रिटिक्स का तो बहुत थोड़ा काम है, इनके भी ज्यादा वर्क्स नहीं है, बिकेट पिंटर के और बेकेट के, ठीक है जी? तो ये पांचों, जी वीरपाल पांचों, ठीक है बच्चे, हो जाएंगे, हो जाएंगे. यू हैव
2 days, Saturday or Sunday, 2 days आप लोगों के पास. All right. So thank you so much for today. We'll see you on Monday now at same time. Thank you everyone. Have a very good day. Keep learning and keep working hard. Thank you so much.